अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जायका हाउस। जायका हाउस में आज हम बना रहे हैं मटन डीप फ्राई। ये बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही कम मसाले इसमें जाते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसमें ज़्यादा मसाले नहीं होते हैं और ये बहुत ही जल्दी बनती भी है। अगर आप दावतों में बनाना चाहते हैं तो इसे आप चॉप्स में बनाइए, जो बकरे की चाँप होती है, तो प्रेजेंटेबल लगता है, वो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप इसमें बनाइए। मैं ये बोनलेस में बना रही हूँ, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी होती है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी, दावत में आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मटन डीप फ्राई बनाने के लिए मैंने 1/2 kg मटन लिया है और ये बोनलेस है, इसे मैंने जूलियन में काट लिया है। आप बोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोन वाला गोश्त, लेकिन चाँप अगर आप बोन में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चाँप का जो गोश्त होता है, बकरे की चाँप जो होती है, उसमें आप बनाएंगे तो ये देखने में अच्छा खूबसूरत लगता है। मैं अभी बोनलेस में बना रही हूँ और इसे इस तरह से काट ली हूँ, और ये 1/2 किलो है। 1 टीस्पून भर के चाट मसाला है, 1 टीस्पून कुटी काली मिर्च, 1 अंडा है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट है, नमक आप अपने हिसाब से डाल देंगे, और चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून ये भी है। अब मैं मटन में डालूंगी अदरक लहसुन पेस्ट, और नमक डालूंगी। नमक आप थोड़ा सा कम ही डालेंगे क्योंकि इसमें चाट मसाला भी बाद में जाएगा, तो सिर्फ इसमें अदरक लहसुन और नमक डालकर मैं इसे बॉईल कर लूंगी। पूरा फुल बॉईल करना है इसे, बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं रहे, तो इसे मैं बॉईल कर लेती हूँ। मटन को मैंने बॉईल कर लिया है और ये फुल बॉईल है, बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं रहे, आपको भी इसी तरह बॉईल करना है। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, और जब गोश्त आपका बॉईल होके गर्म ही रहे तभी आप ये सब डाल के मिक्स करेंगे, तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये डालेंगे चाट मसाला और डालेंगे चिली फ्लेक्स। इसको मिक्स करेंगे। मसाले मैंने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। अब हम एक दूसरा बाउल लेंगे, इसमें डालेंगे अंडा, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, इसमें ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, सिर्फ थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स अगर आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं तो ना डालें, मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। और इसे बीट कर लेंगे। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब हम एक एक पीस उठाएंगे, अंडे में इस तरह से डिप करेंगे और इसे कढ़ाई में डाल देंगे। मैंने सारे गोश्त के पीस को डाल दिया है इसमें, जितना कढ़ाई में आया है। अब इसे हम पलट देंगे, सिर्फ इसे गोल्डन कलर आने तक ही फ्राई करना है, क्योंकि गोश्त तो हमारा गला हुआ है, सिर्फ गोल्डन कलर आ जाए उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। ये फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। बाकी का जो बचा हुआ गोश्त है इसे भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। एक एक पीस ही डालेंगे आप, एक साथ में इकट्ठा नहीं डालेंगे, एक एक पीस को अंडे में डिप करना है और डालना है। अगर एक अंडा कम पड़ जाए आपको तो आप दूसरा अंडा ले सकते हैं। मटन डीप फ्राई बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं सारे गोश्त को मैंने फ्राई कर लिया है और इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है, और इसे आप ग्रीन चटनी के साथ में सर्व कीजिए। बच्चे तो इसे सॉस के साथ भी जो केचप होता है उसमें, उसके साथ भी पसंद करेंगे, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप किसी को दावत दे रहे हैं तो ये, अगर आपके पास बॉईल हुआ हुआ गोश्त होगा तो ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।